चल गली तकरीबन 40-50 साल है यहाँ पे, लेकिन हम नॉर्मल काम करते थे, कम टाइम हुआ है, लेकिन ये है कि अब दुकानें बहुत कम रह गई, कारोबार थोड़ा कम हो गया है। पीतल गली जो है ना पूरी भरी रहती थी, ये नाम ही मशहूर था पीतल गली, अब तो है सैनिटरी गली है। चंद दुकानदार हैं जो बेचारे वो काम करा रहे हैं सब, जो जदू का सिलसिला चल रहा है। कहा जाता है कि पीतल से आरायशी अशिया की तैयारी का फन सेंट्रल एशिया के हमलावरों के जरिए हिंदुस्तान पहुंचा और बरसगीर पर मुगल दौर हुक्मरानी में शाही कदरदानी से इस फन को अवामी फरोग हासिल हुआ। सयाह, विजिटर, घूमने वाले दुनिया के जिस हिस्से में भी जाते हैं सैर तफरी के लिए, वो वहां से अपने पसंद की उस इलाके के लोगों के हाथों की बनी हुई दस्तकारियां जरूर खरीदते हैं और वापस आकर उसे अपने घर के ड्राइंग रूम में सजाते हैं। पाकिस्तान भी हैंडीक्राफ्ट के लिहाज से दुनिया में एक पोजीशन रखता है। हमारे मुल्क के हुनरमंद और हमारे दस्तकार ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं कि देखने वाला देखकर दंग रह जाता है। पीतल में धात से बने फनपारे जो कभी सिंध की शखाफत समझे जाते थे और उनका इस्तेमाल बाय से फख्र तसव्वुर किया जाता था, अब उनके इस्तेमाल में हम देखते हैं कि दिन ब दिन कमी आती जा रही है। पीतल की जिस थाली में खाना परोना और घर सजाना मुगलिया दौर की निशानी और अपने आप में एक मिसाल समझी जाती थी, ये बातें सिर्फ कहने से सुनने तक महदूद होकर रह गई हैं। पीतल से बनने वाले एक गुलदान में कितनी मेहनत पोशीदा होती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मेहनत ही मेहनत है इसमें, मेहनत ज्यादा है, आमदनी कम है। पहले शुरू में हुआ करती थी आमदनी अच्छी, लेकिन अब मेहनत ज्यादा है। कुछ लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फायदा है, अब हम मजदूरों को क्या फायदा है? हमें तो शाम को मजदूरी पता चला 400 की, 500 की, 600। अगर कोई पूछे कि कराची में पीतल का काम कहाँ होता है, तो कराची में पीतल से बनाए गए फनकारों के हवाले से आपको गोली मार के इलाके में जाना होगा। जी हाँ, गोली मार एक इलाके का नाम है और वहां एक पीतल गली है। यह पीतल गली हिंदुस्तान से हिजरत कर आने वाले हुनरमंदों ने कायम की थी, इसकी बुनियाद डाली थी। यहां ये काम पाकिस्तान बनने के बाद ही शुरू हुआ, जब पीतल के बर्तन और नक्श निगार की चीजें और उसके दस्तकार उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद और पाया तक दिल्ली से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। उस वक्त यहाँ 100 से ज्यादा दुकानों और कारखानों में तांबे पीतल से बनी हुई आरायशी अशिया फरोख्त की जाती थी। हुकूमत के सरपरस्ती में बहुत कम 10-12 दुकानें रह गई। ये सारा चाइना जाता है, चाइना जाता है, वहां से दुनिया के और मुल्कों में जाता है। अच्छा, ये बिकता है जाके हमारी, तकरीबन ये 50 साल से है यहाँ दुकानें। ये सारी पहले बहुत दुकानें थी, तकरीबन 20-25 साल पहले तक छोटे से दुकानें थी, सब पीतल की दुकानें थी। मेरे पास काम कम होता जा रहा है तो दुकानें भी कम हो गई, इंटरेस्ट कम हो गया, पहले बहुत इंटरेस्ट था दुनिया में काम। सीना बसीना और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले फन के वारिसों की इस गली की वजह शोहरत यहाँ पर पीतल से बने बर्तन और धाती चादर पर की जाने वाली नक्श निगारी थी। वक्त गुजरता रहा, हालात बदल गए, इस फन के कदरदान भी कम होते रहे और इसके कारीगरों के लिए मुश्किलात भी बढ़ती रही।
कराची के कारीगरों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग और एक्सपोर्ट में तरह तरह की रुकावटों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये फन सवाल पजीर हो रहा है। इस गली के आसपास आबाद लोग अपने अपने छोटे छोटे घरों में पीतल पर अब भी ये काम करते हैं और पहले बहुत ज्यादा तादाद में करते थे। हमने ऐसे ही एक घर के सरबरा से और उनके बेटों से बात की कि उन्होंने इस काम को किस तरह सीखा और क्या करते हैं। अक्सर लोगों ने अपने वालदैन से, बड़े भाइयों से, चचा मामों से ये काम सीखा है। पीतल से जो भी चीज किसी भी शक्ल में बनाई होती है तो सबसे पहले मतलूबा चीज की ढलाई की जाती है, जो कि दो हिस्सों में सांचों की मदद से ढाली जाती है। फिर इन दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं तो जो भी चीज, मिसाल के तौर पर अगर घोड़ा, बत्तख, हिरन या किसी भी किस्म की कोई छवि तैयार करनी है, उसके बाद मुख्तलिफ हुनरमंदों का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये ग्राइंडर और बफिंग का काम करने वालों के पास पहुंचाया जाता है, जहां इससे नकायस और गैर जरूरी उभार ग्राइंडर की मदद से दुरुस्त किए जाते हैं। बारीक है, मोटा है, खारदार है, मनोड़ी है, झर्रा है, बहुत नस्ल है। जैसे आप चाहोगे वैसे बनेगा। अभी ज़्यादातर ये काम चल रहा है फैंसी का, बस ये फैंसी है, यही चल रहा है, बाकी सब रुका हुआ है। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ की दस्तकारी, वहाँ की हैंडीक्राफ्ट उसके कल्चर और उसके स्किल्स को रिफ्लेक्ट करती है, और लोगों का हुनर ही उस इलाके के लोगों के सलीके और वहाँ के जहानत और वहाँ के लोगों के हुनरमंदी की आईनादार होती है। हुनरमंद दस्तकारों के फनपारों को देखकर कदरदान और शायकीन हजरात फौरन पहचान लेते हैं कि ये दस्तकारी के नमूने दुनिया के किस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं। दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि दस्तकारी के खूबसूरत फनपारे दुनिया भर में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। दस्तकारी के ये नमूने अपने मुल्क के खामोश सफीर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं,